Assalamu alaikum everyone. Kya hal chal aap? TK hum bhi TK. Welcome back to Bangash Family new vlog. Idhar sukoon sukoon sorry ye. Like Kaila baby. देखो. भैया नैया करके आपका भाई आ गया और मामा ने ताजा ताजा आपके भाई के लिए जो है ना कहवा बनाया है। जल्दी जल्दी कहवा पीते हैं। ये देखें कायला मैडम को अपने न्यू ड्रेसेस निकाल ली हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ, आपको पहना दें ये न्यू ड्रेसेस। हाँ, यू लाइक देम? विच वन यू वॉन्ट टू वेयर? हाँ कायला, ब्लैक वन और रेड वन, विच वन यू वॉन्ट टू वेयर? बोथ ऑफ देम? कायला की मामा ने कायला के शूज भी निकाल लिए अकॉर्डिंग टू ड्रेसेस। ये इस ड्रेस के लिए, फ्रॉक के लिए वो निकाले हैं और इस ड्रेस के लिए ये शूज निकाले हैं। गुड जी। उफ, कायला को ड्रेस बनाना, उसके लिए पिक्चर्स लेना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है भैया। ये काम ख़त्म हुआ है तो हमें पता चला है मामा ने उधर लंच भी बना लिया है। जल्दी जल्दी मामा, मेड लंच? हाँ। ओहो, लंच तो दिखाया नहीं आप लोगों को। चलो मेरे ख्याल से वही पुराना डिश है, कोई चिकन का विद ग्रीन बीन्स, फ्रेश बीन्स और राइस। बाबा आते हैं तो फिर खा के बताते हैं आपको कैसा बनाया है और आज हम आप लोगों को बाहर लेके जाएंगे, सो मजा आएगा। बाबा भी आ गए हैं और अभी हमारा लंच का टाइम हुआ जाता है। जुम्मे के दिन जो है हम सारे साथ लंच करते हैं। लंच बहुत मजे का था और अभी हम तैयार हो गए हैं, बाहर लेके जा रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलो 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 चलो, सारे रेडी हो गए, बाबा भी रेडी है, कायला भी पिंकी पिंकी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये देखो, आज कायला ने भी स्नीकर्स पहने हैं, मामा ने भी, सब ने स्नीकर्स पहने हैं। स्नीकर्स दे। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा YouTube जो है ना क्रैश हो गया है। बार बार जो है ना 90% ब्लॉग अपलोड होता है ना, उसके बाद फिर जीरो हो जाता है। और कल तो पूरा लिखा हुआ है कि YouTube क्रैश्ड। क्या है YouTube के साथ, कुछ मसले चल रहे हैं पता नहीं क्या। अभी व्लॉग जो है ना 90% तक हुआ, कल रात से लगाया था, बार बार 90% हो गया, जीरो हो रहा था, अभी भी 90% हुआ, फिर जीरो हो गया। उफ, क्या करिए। चलो एक विलेज में आए हैं और इस विलेज का नाम है रोस्ताई मराजुल। इसका मतलब क्या है? नहीं पता? पैसा बर्बाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्ताई? हाँ, यहाँ पे इस विलेज में खूबसूरत जगह है जहाँ पे दरख्त बहुत, और मतलब ऑटम सीजन में ना दरख्त बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, तो हम वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जो है ना हम पता नहीं इतना अंदर आ गए कि पापा ने कहा वापस बाहर जाते हैं। लाम कायला खानम, कायला खानम भी आ गई हमारे पास, कहती है क्या ढूंढ रहे हो यार? क्या हुआ उस विलेज में, क्यों नहीं गए? देख के आए थे इंटरनेट पे, वो प्राइवेट लैंड है सारा किसी बंदे का, तो उसने जो है ना पहले लोग गए पिक्चर्स दे के उस जगह को फेमस किया, तो उसने उस जगह को बंद कर दिया और वहाँ पे लिख के लगा दिया है कि भाई ये मे प्राइवेट जगह है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, तो यहाँ पे मत आए, और गार्ड भी बिठा दिए हैं, तो लोगों को वापसी कर दिया। अब हम दूसरी कोई अच्छी खूबसूरत जगह ढूँढ रहे हैं। खूबसूरत स्पॉट हमें नजर आया, इधर जाके देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है। ये आपकी भाभी जो है ना स्पॉट ढूंढ रही है पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, और भी लोग आए हुए हैं वहाँ पे शूट वगैरह कर रहे हैं अपने, देखें 0.5 में है ना प्यारी जगह। गाइस ये जगह बहुत खूबसूरत है, हाँ मेहनत कर दिया, वीडियो बना दिया, थोड़ा सा पिक्स शूट कर दिया, इंशाल्लाह यू गाइस विल लाइक। एंड हवा ठंड हो रही है ना, हम जा रही है घर,
क्योंकि कायला बेबी एंड मामा उधर हम वेट करी है, हमारा वेट करिए, हमारा वेट करिए, फिर चलो। ओके कायला बीबी ना थक गई है इसलिए कायला बीबी सो गई है। You have slept too? इस वक्त हम आ गए हैं ग्रैंड बाजार में, वो भी बाबा के साथ, मतलब ग्रैंड बाजार के बाहर का रास्ता। ये मेवा जात पड़े हुए, बाबा ने अपनी सिगरेट जला ली है। ये देखें यहाँ पे ताज़ा ताज़ा फिश, ये जिंदा है, ये बेचारी वफात पा चुकी हैं। और ये बाजार है, देखो इनके बाजार देखे, ये मच्छी बाजार आपको लग रहा है, क्लीन साफ सुथरा, फ्रूट्स सारी मार्केट है। और आगे बिल्कुल सीधा हम जाएंगे तो ग्रैंड बाजार है पूरा, ये देखें बाजार, और सही नीट है माशाल्लाह। फ्रूट्स की क्वालिटी चेक करें, ऐसा लगता है एक एक फ्रूट, एक एक वेजिटेबल को जो है ना पकड़ पकड़ के देखें किस तरह शाइन मारे, साफ किया गया है एक एक को। पेयर्स लेने, गोल्डन सेब की क्वालिटी चेक करें, क्या बात है। अभी हम आ गए हैं सीड शॉप पे, लास्ट टाइम यहाँ से सीड्स लिए थे अगर आपको याद हो तो, यहाँ सीड्स लेने आ गए बाबा के साथ। कायला बीबी ने एप्पल निकाल लिया है और खाने की नाकाम कोशिश कर रही है, मजीद शॉपिंग करके आ गए और मैं इस बार नहीं किया। व्हाट हैपेंड कायला खाना, हाँ वाह, घर पहुंच गए, अब जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। ये देखो सासू माँ हो तो ऐसी हो, मैंने कहा डिजर्ट बनाऊं मामा, तो मामा जो है ना डिजर्ट बना रही हैं। अभी हम आपको डिजर्ट की रेसिपी देंगे आज मामा, आज टुडे वी विल मेक। ये देखो मामा ने सारे वॉलनट कल्ले अकेले तोड़ लिए हैं। डर्टी योक दे बाबा, क्लीन दे, क्लीन दे, इस वॉलनट दे। तो हम बनाएंगे डिजर्ट, एक प्रो करिए, तू अंदर डालिए, क्या अंदर अंदर, हाँ खा रही है ना, तो खाने दो, क्या हुआ खाने पे नजर नहीं लगाते, देखो शाबाश मामा शाबाश। यार ये तो बंदा देखो, कहा इतने मामा ना थे, पर बड़ा तीन आम सीन है, हम चेक करके बाजार से मामा का यार ये चल मेरी अम्मा खराब है, सी 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 चल चल खराब है मिले चल हां और जनाब इन खातून को देखो, कल इनका जो है पेपर है, मैं कर रहा हूँ पढ़ो जाके, और ये यहाँ पे जो है ना टीवी देख रही है। पेपर नहीं देना है क्या, है पढ़ना नहीं है क्या, फिर एडमिशन क्यों लिया यूनिवर्सिटी में? बेटा पढ़ो पढ़ो, तो एडमिशन क्यों लिया यूनिवर्सिटी में? ये बंदा ना ले, गिव हर टू मी ना, यू स्टडी, वल्लाही ही सेइंग लाइक दिस नाउ, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ, शी इज सेइंग यस बाबा इज राइट। हां हां कायला, शो योर टीथ, ही गो स्टडी बाबा स्टडी, पढ़ो पढ़ो शाबाश पढ़ो। मामा यू मेक डेजर्ट फॉर मी, नॉट फॉर किसरा, शी असेड दिस, शी इज नॉट स्टडी, असा दे सुख मी पी, आ सुबह क्या मैं व्लॉग बनाऊं, फिर एडिट करूं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर वीडियो एडिट करूं, सारा काम ही आपका भाई करता है भैया, सारा काम ही आपका भाई करता है ना, चल जाओ स्टडी करो शाबाश।
अभी मैं बनाने लगा हूँ अपने लिए कड़क चाय, सिर्फ अपने लिए, हम के लिए नहीं। मामा मामा से सारा तो डिजर्ट के लिए दूध पड़ा हुआ है और मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया है। दूध बना रही है, मैं कैसे दूध बना रही है? चाय बना, चाय बना वाला सेंग, सेंग दूध बना रही है, चाय बना रही है। हाँ दूध ले ले, सेंग सिर्फ मेरे को बना रही है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? मैंने कहा मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बाबा के लिए बना लेता हूँ। मामा ने दूध ज्यादा दिया नहीं है, सारा डिजर्ट के लिए डाल दिया है। मामा उधर देखो, ये चावल जो है ना, जो नीचे के होते कड़क कड़क, मामा अकेले बैठ के खाती है। मामा बिफोर सफाई, अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो टक टक टक, ये दूध थोड़ा कम दिया मामा ने। मैंने कहा जी वो डेजर्ट बाबा को खिलाना है, मैं चाय अपने लिए बना रहा हूँ। चाय के साथ नो कॉम्प्रोमाइज भैया, नो कॉम्प्रोमाइज। कड़क रेडी हो गई है भैया, स्वाद वाली। मामा डिजर्ट बना रही हैं और डिजर्ट की रेसिपी आप लोगों को ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये डिजर्ट मेरा फेवरेट है, मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था तब से मामा को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बनाए। और इस बात को कितने साल हो गए नसरा? दो साल नहीं, पौने तीन साल होने वाले हैं। हाँ तो फाइनली आज मामा ये डिजर्ट बना रही हैं दूसरी बार। सबसे पहले क्या करना है, एग योग निकाल लेना है, सिर्फ एग योग है एक। फिर इसमें एक कप जो है चीनी का डाल देना है, ये देखें पूरा भर के। अब बीटर निकाल के आप लोगों ने चीनी और अंडे को बीट करना है, इस तरह नहीं। अभी बीटर चलाएंगे मामा, सबर करो। इस तरीके से ये देख लें, पहले अंडे को थोड़ा चीनी में मिक्स किया है ताकि चीनी हमारी उड़े ना। अब बीट कर रही हैं, अब एक कप दूध डाल दिया है इसमें और अब दूध के साथ बीट करेंगी। ये चेक करो, अब देखें ऐसा लुक जब आ जाए, चीनी ख़त्म हो जाए, तब आप लोगों ने बीटर स्टॉप कर देना है। अभी मामा हमारे दूध में जो है ना तकरीबन 2 स्पून मैदा डाल रही हैं। अब 2 स्पून जो है मामा कॉर्नफ्लोर के डाल रही हैं, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर के भी डालें, 2 स्पून मैदे के भी डालें दूध के अंदर। 1 चम्मच पूरा भर के, नहीं एक से ज़्यादा लगेगा, 2 चम्मच भर के कोको पाउडर भी डाल दिया मामा ने इसी दूध के बैटर के अंदर जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये जो 2 चम्मच मामा डाल रही है ना, बड़े वाले भर भर के डाल रही है, आप लोग ये नहीं कम नहीं डालना, ठीक है? अब मामा इन सबको मिक्स कर रही है। याद रहे आप लोगों का दूध गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो या हल्का सा उससे ठंडा हो, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? Okay. कुछ ऐसी शक्ल हो गई है। अब वो जो हमने बैटर तैयार किया था वो डाल रहे हैं इसके अंदर, एग चीनी और दूध का। अब मामा ने मीडियम से हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया है और कह रही है साथ साथ हाँ मिक्स करो, मिक्स करते रहना है, रुक हाथ नहीं रुकना चाहिए। तब तक मैं बीट करता रहा हूँ जब तक ये थिक नहीं हुआ, थिक हुआ है तब हमने फ्लेम बंद किया है। अब मामा हमारे इस थिक जो है ना पेस्ट के अंदर हमारे वॉलनट्स डाल रही हैं। मामा डी बाला कंजूसी तो मामा ने वॉलनट डाल दी और ये देखो डेजर्ट का ये जो बैटर है ना ये सही थिक हो गया। जैसे ही थिक हो जाए ना आपको हाथ पे फील होगा, आप लोगों ने बिना स्टॉप के कंटिन्यूसली ना उसको घुमाते रहना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। और जैसे ही थिक हो जाए आपने फ्लेम बंद करके वॉलनट डाल के मिक्स कर देना है, ठीक है? ये चेक करो यार, आप लोगों को दिखने में ही समझ आ रहा होगा कितना जबरदस्त हो गया है। फिर आपने जो है ना बिस्किट कोई भी अपनी पसंद का क्रश करके चूरा चूरा करके वॉलनट का एक पीस लेके इस तरीके से डिजाइन करना है। क्या बात है जी, चेक करो ये हमारा डिजर्ट तैयार हो गया। अभी बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, तो इसलिए हमने टेबल पे रख दिया है सजाकर। ये थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और सुबह उठ के मजे लेंगे। डिजर्ट रेडी हो के आ गया, इसको ट्राई करते हैं। 2 घंटे इसको फ्रिज में रखा है, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो मामा ने बोला अभी खाना है, तो मैंने कहा ले आओ निकी और पूछ। पहला निवाला निकाल लिया हमने, बिस्मिल्लाह।
बहुत कमाल। इसको लाजमी ट्राई करो भाई, मेहमानों को भी खिलाओ खुद भी खाओ, बहुत मज़े का डिज़र्ट है। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज और रोज़ाना कुछ नया सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि रोज़ जैसे ही हमारा न्यू ब्लॉग अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन फी अमानिल्लाह, अल्लाह ने वाले।